हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मेनिया। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एसएससी सीपीओ की जो बुक लिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करूंगी। तो एसएससी सीपीओ जो है उसके प्री के अंदर आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें जीएस, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आती है 50-50 मार्क्स की, जिसमें से आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और जो मेन्स एग्जाम है वो प्योरली 200 मार्क्स का इंग्लिश का होता है, ठीक है। अब अगर मैं इंग्लिश में ग्रामर की बात करूं तो आपको इंग्लिश में ग्रामर करनी है नीतू सिंह की, जो नीतू सिंह मैम की बुक है वॉल्यूम 1 के थ्रू, इससे आपने ग्रामर करनी है। और करना कैसे है ग्रामर को कि आपने एक चैप्टर 1 डे में कंप्लीट कर लेना। अगर नहीं होता है आपसे एक दिन के अंदर, तो आपने क्या करना है कि जो 2 से 3 दिन के अंदर उस चैप्टर को टाइम स्लॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। आपके पास 72 डेज का टाइम है, तो उसके बेसिस पे आपने अपना शेड्यूल और टाइम टेबल डिज़ाइन करना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है। एग्जाम से पहले, प्री एग्जाम से पहले आपने इस बुक की रिवीजन 3 से 4 बार करके जाना है, ठीक है। और वोकैब के लिए आपने ब्लैक बुक की जो बुक आती है इंग्लिश वोकैब की, वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने वोकैब का पोर्शन कंप्लीट करना है। और जैसे ही आपके ये दोनों बुक जो होते हैं ना 80% या 70-80% आपका सिलेबस इनमें से हो जाता है, तो आपने मॉक लगाने स्टार्ट कर देने हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आपने जो है इंग्लिश की अजय सर की एमबी पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसके सेट लगाने हैं। इसके अलावा अगर आप पिनेकल पब्लिकेशन की कोई बुक परचेज करते हो इंग्लिश की, तो उसके थ्रू भी आप सेट लगा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर भी अपडेटेड वर्जन, मतलब जो TCS के क्वेश्चन हैं, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। यहाँ से आपने क्या करना है कि पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले इसमें जो CPO के पेपर दे रखे हैं वहाँ से एक बार वो पेपर लगा लेना 3 से 4। आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो और उसके बेसिस पे आपको अपने जो वीकनेस है वो पता चल जाएंगे, ठीक है। आप बात करते हैं गाइज GS की, तो GS में आपने क्या करना है कि पहले लूसेंट से करनी है, या मनोहर पांडे भी आप ले सकते हो। कि आप अगर आपको जो लूसेंट है वो बोरिंग टाइप लगती है, तो ये मेरी लूसेंट है, मैंने लूसेंट से ही किया था। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इंग्लिश वाली लूसेंट को परचेज किया था। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आप हिंदी वाली ले सकते हो। और इसके अलावा, लेकिन अगर ये है कि आपको जो लूसेंट थोड़ी होता है ना कि नहीं समझ में आता स्टैटिक पोर्शन, लाइक इसके अंदर फैक्ट्स और जो डेट्स वगैरह ज़्यादा दी हुई है, तो इसके लिए, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अरिहंत की जो मनोहर पांडे वाली किताब है वो परचेज कर लेना। 195 इसका MRP है। ये आपको अराउंड 140-150 ईजिली मिल जाएगी, हार्डली 160 ही जाएगा। और ये कंप्लीट करने के बाद या ये करने के बाद आप क्या करो, TCS के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो लगा लेना। इसके लिए आप पिनेकल पब्लिकेशन का जनरल स्टडीज़ वाला सेट परचेज कर लेना और उसको लगा लेना डेली बेसिस पे, ठीक है। किसी के पास अगर पिनेकल पब्लिकेशन नहीं है तो वो ये करना कि आप किरण की जो बुक आती है, तो किरण की बुक से भी आप अपना जो क्वेश्चंस हैं वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये अभी अपडेटेड वर्जन है किरण का, मैंने इसको स्टडी किया। मैं नहीं बोलूँगी कि ये मतलब मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको, देखो बिकॉज मैंने पिनेकल वाली जो देखी है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं नए वाले, लेकिन इसमें नहीं है। मैंने ये लेटेस्ट वर्जन मंगाया था, अभी मैं CGL के लिए कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली मंगाया था, बट आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट, ओके। तो प्लीज़ ये परचेज मत करना, बिकॉज आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। और CA के लिए आप यूट्यूब के जो भी वेरियस सोर्सेज हैं, लाइक GK टुडे का चैनल हो गया और एक वरुण अवस्थी सर भी कराते हैं स्टैटिक पोर्शन को, तो उनका भी, और एक को मेरे को याद नहीं अभी एट प्रेजेंट, मैं बाद में बता दूँगी आपको, तो वो कर सकते हो। और अगर आपको वोकैब करनी है और आपके पास काफ़ी टाइम है और आपको CGL भी देना है साथ में, तो आप वर्ड पावर मीडिया को ट्राई कर सकते हो इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन इसमें ऑथर ने क्या किया है कि आपको डे टू डे बेसिस पे सेट बताया है कि आपको कैसे अपनी वोकैब को बिल्डअप करना है, ठीक है। सेशंस हैं इसमें 1 से लेके और आई गेस 46 या 49 सेशंस हैं, 46 सेशंस हैं इसमें। तो डे टू डे बेसिस पे आपने सेशंस को कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप एक ही दिन में 3 से 4 सेशन करने, नहीं ऐसे याद नहीं होगा और आपकी वोकैबुलरी जो है वो ऐसे ही रह जाएगी, ठीक है, और कंप्लीट भी नहीं होगी ऐसे। उसके अलावा जब अब आता है हमारा जो रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वही लगाना, दैट वुड बी इनफ। कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है।
टेक्स्ट बुक या ग्रेड अप जो है बायजूस उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे वो मॉक टेस्ट लगा लेना, बहुत इनफ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी चैप्टर में आपको डाउट आता है तो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो उसको और वहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, ठीक है। अब क्वांट जो है, क्वांट मैं अभी सीजीएल के लिए कर रही हूँ तो मैं गगन सर के नोट्स को एक बार प्रेफर करूँगी अपने लिए, लेकिन आपके लिए मैं बोलूँगी कि किसी भी एक टीचर का कोर्स परचेज कर लो और वहाँ से एक बार कोर्स को थोरोली कर लो। अगर आपका क्वांट, आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपको ये है कि मतलब नहीं ज़रूरत है किसी भी टीचर के कोर्स की, खुद से करना चाहते हो तो आप ये करना कि आप TCS की ही बुक आई है क्वांट की, वो परचेज कर लेना और वहाँ से क्वेश्चंस लगा लेना, ठीक है। और यूट्यूब पे जो है एडवांस मैथ्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, पवन सर की भी है और अभी अभिनय सर ने भी एक 2.0 बैच स्टार्ट किया है, लेकिन वो थोड़ा हाई लेवल हो जाएगा तो अपना एक बार देख लेना आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है और आप अगर कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाते हो ना CPO के, CGL के और जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी 2-3 साल में, वो भी बहुत एनफ हो जाएंगे। अब आपने लास्ट में क्या करना है, जब आपके अराउंड 50 डेज कंप्लीट हो जाते हैं और लास्ट का जो पोर्शन रह जाता है आपका 22 डेज का, उसमें आपने सिंपली अपना सिलेबस रिवाइज करना है और जितने मॉक हो सकते हैं उतने लगाने हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने मॉक लिस्ट कंप्लीट बता दी है। अब इसके अलावा कोई डाउट रहता है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉर्ट आउट कर जो डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो गाइस मेहनत करते रहिए और थैंक यू।